तो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि पेंटिंग में हाईलाइट कैसे दी जाती है। जब पेंटिंग कंप्लीट हो जाती है, ऑयल पेंटिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जब ऑयल पेंटिंग पूरी हो जाती है तो उसमें जो फाइनल टच जब करा जाता है, जब उसमें रिफ्लेक्शन दिया जाता है, जैसे नोज हो गया, चीक हो गया, और किस तरह से दी जाती है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये पेंटिंग है दोस्तों, और इसमें मैं भी हाईलाइट करूँगा। हाईलाइट मतलब जो फाइनल टच मैं करूँगा इसमें, और फाइनल कैसे टच दिया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक मिनट, सफेद कलर का मैं फोटो निकाल लेता हूँ पहले मैं। आप देख रहे हैं ना कि नोज में, एक तो नोज हो गया, ये फोर हेड हो गया, आप देखेंगे कहाँ कहाँ पर ये एक रिफ्लेक्शन आ रहा है, वाइटनेस आ रहा है, वहाँ वहाँ पर मुझे 1, 2, 3, 4, 5 जगह देना है। ठीक है जी, फोर हेड में हो गया, ये राइट लेफ्ट चीक में हो गया, और ये चिन में हो गया, और नोज में। पहले मैं नोज में देता हूँ, चीक में देता हूँ, ये चिन में दे दिया मैंने। कितना फर्क पड़ा आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग में कितना फर्क पड़ा है। ऐसा लगता है कि 3D पेंटिंग है, मतलब एक जो चेहरे का उठाव होता है ना, जैसे आपके गोल चीक है, फोर हेड भी तो गोल है, और जो चिन भी गोल है, तो उसमें हमें ये रिफ्लेक्शन देना होता है जब पेंटिंग पूरी हो जाती है। तो इससे ये होता है कि एक उठाव सा दिख जाता है पेंटिंग में, पेंटिंग का जो भी पार्ट्स है वो उठे हुए हैं, 3D टाइप के दिखते हैं। तो बस दोस्तों यही था आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच।